प्रोलेटर भाई तो इस यहाँ से चला गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, उनकी फैमिली को भाई सपोर्ट मिले बहुत सारा, ठीक है ना। अपना बेटा जिसने खोया भाई वो वही समझ सकता है, ठीक है ना। हम नहीं समझ सकते हैं, हम ना व्यूज के भूखे हैं, हम लोग एक छोटी सी गलती की वजह से भाई इंसान अपनी जान खो बैठता है, ठीक है ना। पीछे माँ बाप का ध्यान नहीं रहता है, हम तो वो उसको देख सकता था ना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, रुक सकता था ना, नहीं कल्टी मार के भाग गया वहां से। ये बहुत गलत चीज है, ठीक है ना। दोस्ती उन्हीं से रखो भाई जो आपके साथ मरते दम तक नहीं, ठीक है ना। हेट किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। हम एक ही कम्युनिटी से है, ठीक है ना, हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए भाई। मैं हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग, होप सो कि सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, फिलहाल का जो ये वीडियो रहने वाला है, कोई भी व्लॉग नहीं रहने वाला प्रॉपर, यहाँ कोई मोटो व्लॉग नहीं रहने वाला, बस भाई इसमें ना थोड़ी सी कुछ बातें करनी है आप सबसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें करना, ठीक है ना। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, कल ही भाई जो एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, प्रो राइडर 1000 भाई देहरादून से थे, ठीक है ना। और उनकी भाई मैंने जब वीडियोस वगैरह देखी ना, पहले तो भाई यकीन नहीं हो रहा था, ठीक है ना। जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी, प्रॉपर हर जगह वीडियो देखी भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ, ठीक है ना। पर्सनली मैं जानता नहीं हूँ झूठ क्यों मारना है, ठीक है ना। और तो सबसे पहली बात बोलूँ ना, किसी के थ्रू नहीं, उसको मैं जानता हूँ, उसकी वीडियो मैं बहुत पहले से देखता हूँ, ठीक है ना। एक साल से उसकी वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। और भाई सीन ऐसा है कि यार आपने देखा कि उस भाई के साथ क्या सीन हुआ, भाई एक्सीडेंट हुआ, मतलब टोटल डेथ होगी उनकी, ऑन स्पॉट डेथ होगी भाई। और वो किसके कारण हुआ क्या हुआ यार, मैं कोई इसमें कोई अपने गेस नहीं लगाऊंगा, आइडिया लगाऊंगा भाई। जहां तक मेरे को सुनने में आया कि भाई कोई बोल रहा है कि हिट एंड रन का केस है, और कोई बोल रहा है कि हाई स्पीड हुई है, ठीक है ना। यार अल्लाह बेहतर जाने क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ इस वीडियो में बोलना नहीं है, ठीक है ना। मैं आप सबको ये बताने आया, देखो यार कहीं ना हम लोगों की भी गलती है, ठीक है ना। अब वो भाई तो चला गया, ठीक है ना, उनकी फैमिली का क्या हाल होगा पीछे, यार वो समझ पा रहे हो आप गाइस के माँ बाप को एक ही बेटा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। और वो भी नहीं रहा भाई, उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी यार, समझ रहे हो ना गाइस। भाई यंग था अभी, कौन सा भाई 20-21 साल उसकी एज थी, ठीक है ना, कॉलेज में पढ़ता था अभी यार। बट सुन के ना बहुत बुरा लगा यार, ये चीज़ देख के यार कि ऐसे ऐसे वो भाई के साथ। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, ना मैं किसी के लिए हेट है ना कुछ है भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। पर्सनली मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑडियंस अगर बोलेगी कि आप जान निकाल दो, हम लोग ना वहाँ वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे व्यूज़ के लिए, ठीक है ना। व्यूज़ के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, ये यूट्यूब ऐसा चीज़ है, सीरियसली यार इतना गंद मचा है यूट्यूब पे, इतना गंद मचा है भाई। आज से पहले भी होते थे व्लॉगर भाई, मीन्स के हर जगह वो एक्सप्लोर करते थे, लोग देखते थे, बट वो चीज़ अब कोई देखता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं तो कौन सा, मेरे को भाई साल 1.5 साल होगा यूट्यूब पे आए हुए, मैं कोई ज़्यादा जगह मैंने कोई एक्सप्लोर की ही नहीं है, ठीक है ना। आज तक आपने देखा कि मैंने रैश राइड की है कुछ की, देखो भाई जितना मेरे में दम है मैं उतनी राइड करता हूँ, सीधी सी जो बात है, ठीक है ना। मैं ओवर स्पीड नहीं करूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाऊँगा, पता है भाई मेरे को मेरी बाइक कितनी जा सकती है और मेरे में कितना दम है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसको मौत आई होती है ना, मौत जब आनी होती है ना, वो भाई कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है, चाहे वो 10 की स्पीड में या 20 की स्पीड में जब उसको आई होती है ना, वो भाई उस स्पीड में बंदा मर सकता है, ठीक है ना। ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, ठीक है ना। गलती ऑडियंस की भी है और हमारी भी है, सच सच से जो बात है। ऑडियंस अगर बोलेगी हमें ये करो, हम वही करना चाहते हैं भाई, क्या यार मतलब इतनी महंगी बाइकें रख के फिर भाई हम उसके ऑडियंस की सुनेंगे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इतनी हाई स्पीड करेंगे, 299 मारेंगे, 300 मारेंगे, 400, भाई ये कोई मजाक बन गया सीरियसली। मतलब सुपर बाइकों को ना सब लोग मजाक में ले रहे हैं यार, ठीक है ना। ये नहीं सोचते हैं कि भाई अगले बंदे को हम ऐसे गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप ये करो वो करो। वो भाई मैं उसको पर्सनली जानता नहीं हूँ कुछ नहीं, बट उसके मैं व्लॉग देखता हूँ, कभी मैंने उसके व्लॉग में हाई स्पीड नहीं देखी है। और अपने पापा के साथ वो वीडियो बनाता है, पता है आपको, अपने पापा के साथ भाई ऐसा उनका था ना, उनके पापा की वीडियोज भी देखता, उनके साथ में होते थे और वो दोनों बाप बेटे ना मिलकर वीडियो बनाते भाई, एक ही फ्रेम में होते थे, ठीक है ना। ऐसे मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का बाप बेटा साथ में वीडियो बनाते राइड करते हैं, ठीक है ना। तो वो देहरादून से बाहर कभी गया ही नहीं था, ठीक है ना। मैंने उसकी वीडियोस देखी आज तक, कभी मैंने वो बाइक रेंज कभी बाहर देखा ही नहीं, वो पहली बार निकला था भाई। और पहली बार निकला उसको क्या पता कि क्या सीन होगा आगे क्या नहीं होगा, मेरे से उसको ये मत पता था कि मेरे साथ क्या होगा यार। बट बहुत दुख लगा है ये सब देखे, क्योंकि हमारी राइडर कम्युनिटी से है, ठीक है ना। और वीडियो बनाना, ये वीडियो कोई व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, कुछ नहीं बना रहा, ठीक है ना। बस इतना सा बता रहा हूँ भाई, देखो मेरे 200 लोग देखते हैं, 300 लोग देखते हैं, ठीक है ना। मैं उन सबको ये बता रहा हूँ कि भाई देखो, देखो तीसरा कोई बंदा बोलेगा कि भाई ऐसे बाइक चलानी आती, वैसे बाइक नहीं चलानी आती, भाई ठीक है यार मैं जैसे चलाता हूँ ठीक है यार, एक छोटी सी गलती की वजह से भाई इंसान अपनी जान खो बैठता है, ठीक है ना। पीछे माँ बाप का ध्यान नहीं रहता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पीछे ना, ठीक है भाई उस बंदे की जान चलेगी, बट पीछे माँ बाप क्या सोचते होंगे भाई, एक ही बेटा था माँ बाप का, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि भाई गलत साथ लाइफ में किसी के साथ मत रखो, गलत दोस्तों के साथ मत जाओ यार, ठीक है ना। गलत साथ जो होता है ना वो गलत का नतीजा गलत ही होता है, ठीक है ना। अब किसी के कारण हुआ क्या हुआ वो मैं नहीं जान सकता हूँ, ठीक है ना। जहाँ तक मैंने वीडियोस वगैरह देखी, रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी सुनी, उसमें क्या है क्या नहीं, कुछ लोग मतलब दोस्त भी ना वही रखो भाई जो आपके साथ
मरते दम तक साथ रहे, ना कि भाग गया, ठीक है ना। और कुछ नहीं यार, मतलब ये सुन के ना बहुत बुरा लगता है, जो भाई भाई बोलेगा, भाई भाई बोलने के बाद लास्ट पे वो मतलब अपने रास्ते कल्टी मारेंगे, एंड टाइम पे वो मतलब साथ नहीं रहेंगे, फिर बोलेंगे ये नहीं हमें, वो नहीं पता हमें, ये नहीं पता है। देखो अगर मेरे साथ कोई बंदा चलता है, मेरे को पता है भाई कि हाँ मेरे साथ चल रहे हैं, ज़रूर भाई आगरा एक्सप्रेस वे, ठीक है ना, सबको पता चलता है आगरा एक्सप्रेस वे भाई सीधा रोड है, ठीक है ना, कोई भी ऐसे वैसे रोड नहीं है, ठीक है ना। वहाँ बंदों को दूर से पता चल जाता है, एक बाइक अगर क्रैश होती है ना, ज़रूर बंदे को आवाज़ आती है यार कि नहीं कुछ हुआ पीछे, इतना भी नहीं था कि किसी को पता नहीं चलता। देखो वो टाइम जब आता है ना, कोई भी साथ नहीं होता, ठीक है ना, वो एक सच्चा दोस्त जो होता है ना भाई, वही साथ रहता है, ठीक है ना। ये जो कुछ टाइम के दोस्त बने होते हैं ना, ये ना भाई अपने फायदे के लिए होते हैं, ठीक है ना। बाकी चलो छोड़ो, मुझे किसी साथ हेट नहीं है, कुछ नहीं है। आप सब कमेंट करोगे नीचे, आप बोलोगे आप उसके लिए बोल रहे हो, इसके लिए बोल रहे हो, ठीक है ना, वो आपकी सोच है, ठीक है ना। बट मतलब इतना गंद मचा है यूट्यूब पे, इतना गंद मचा है ना भाई, आज से पहले नहीं था, कुछ दो तीन साल से ना ये सब हो रहा है, ठीक है ना। तो यही बोलूंगा कि भाई वो भाई चला गया इस दुनिया से, अब वो नहीं रहा, ठीक है ना। मैंने न्यूज़ कल ही देखी थी और मैं चाहता मैं कल ही वीडियो बनाता व्यूज़ के लिए, बट मैंने नहीं बनाई, ठीक है ना। उनके माँ बाप के बारे में भी सोचो यार, ठीक है ना। गलत वीडियो मत डालो यूट्यूब पे, वो मत बोलो ये हुआ वो हुआ, सब कुछ सामने आएगा, ठीक है ना। जो भी होगा सब कुछ सामने आएगा, छुपता कुछ नहीं आज के टाइम पे, ठीक है ना। कोई अगर भाग भी जाएगा ना, भाग के उसको पकड़ा भी जाता है, ठीक है ना। और कोई अफसोस करेगा ये हुआ वो हुआ, बट अफसोस करने का फायदा क्या, जब वो मरते दम तक मरते टाइम उसके साथ नहीं रहा, वहां से कल्टी मार के भाग गया, ठीक है ना। ये दोस्त नहीं होते भाई, ठीक है ना। ये ना वो उसको देख सकता था ना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, रुक सकता था ना, नहीं कल्टी मार के भाग गया वहां से। ये बहुत गलत चीज है, ठीक है ना। दोस्ती उन्हीं से रखो भाई जो आपके साथ मरते दम तक रहे, ठीक है ना। लॉग ही सब कुछ नहीं है, यूट्यूब ही सब कुछ नहीं है, अगर जान है तो जहान है, ठीक है ना। कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं कि भाई बिल्कुल नहीं टूटी है यार, कभी कभी देखो क्या होता है, वो तेज नहीं होंगे यार, ठीक है ना, वो आराम से चल रहे होंगे, ठीक है ना, या उसके साथ टक्कर हुई या कुछ भी हुआ, मतलब मैं नहीं ना झूठ बोल सकता, मेरे को गैस मैं कोई आइडिया लगा ही सकता हूँ कि ये हुआ वो हुआ, वो बिल्कुल स्लो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बाइक का भी ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बिल्कुल बाइक साइड से टूटी है, बट क्या पता कैसे क्या हुआ, वो वही जान सकते हैं। अगर उनके पास कुछ वीडियो क्लिप वगैरह पड़ी होगी, कुछ भी होंगी, कैमरा वगैरह तो ऑन होगा ही होगा, ज़रूर मिलेगा, सब प्रूफ मिलेगा भाई, ठीक है ना, छुपेगा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बंदे को देखने बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है भाई, कितना अच्छा बंदा था यार वो, मतलब उसने कभी, मेरे को लगता है कभी उसने हाई स्पीड की ही नहीं है यार। मैं जहाँ तक उसकी वीडियोज़ देखता हूँ ना, अपने देहरादून में वो वीडियोस वगैरह बनाता था, ठीक है ना। उन्हें दुख तो बहुत है इस चीज़ का भाई, एक्सीडेंट कैसे हुआ क्या हुआ भाई वो तो सामने आ ही जाएगा, ठीक है ना। कुछ वीडियोस कुछ ऑडियोज़ वगैरह लीक हुई है, बहुत सारी मैंने सुनी भाई, बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, तो फिर सोचा मैंने मैं भी वीडियो बनाऊं, बट किस लिए, व्यूज़ के लिए नहीं भाई, व्यूज़ मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, आग लगे व्यूज़ को यार, ठीक है ना। अभी हमारा बंदा मतलब हमारी राइडर कम्युनिटी से ना, हम भी एक व्लॉगर हैं, छोटे से व्लॉगर हैं, बट मतलब वो मतलब हम उनको देख के इन्फ्लुएंस होते थे, ठीक है ना। बट मैं गलत इन्फ्लुएंस कभी नहीं किसी को देख के हुआ कि वो ऐसे चला रहा है मैं भी चलाऊंगा, ठीक है ना। बट वो बंदा अच्छा क्रिएटर था, बट कुछ टाइम हो गया उसको, मतलब कुछ गलत बंदों के साथ उसका साथ जब गया ना, तो अपनी जान खो बैठा यार। उसको ये मत पता कि घर से निकलने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, वो मतलब उसको कुछ बंदे उलसा रहे थे, ये मारेंगे वो मारेंगे 300 मारेंगे 400 मारेंगे, भाई क्या यार 300 400 मारने के लिए क्या सुपर बाइक होती है यार, मतलब ये कोई इंसानों का काम नहीं है 300 400 मारना, ठीक है ना। ये गलत बात है, ये गलत इन्फ्लुएंस होता है, और साथ में जो आने वाले जो होते हैं ना भाई, हमसे छोटे जो है ना, वो भी यही देख के फिर यही सब करना शुरू हो जाए। आज देखो ना छोटे छोटे बच्चे भाई साइकिलों पे विलियां मारते हैं, किस वजह से हुए, हमारी वजह से, क्योंकि हम उनको दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आप भी ऐसे करो, क्योंकि उनमें भी चुल मचती है फिर यार। देखो यार हर कोई तो करेगा, अगर हम कोई चीज़ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम मैं ये कर रहा हूँ, अगला बंदा तो करेगा, क्योंकि वो देखे इन्फ्लुएंस हो रहा है ना यार, बात ये है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, हेट किसी के लिए नहीं है, बस मैं यही सब आपको बोलने आया हूँ कि भाई कंट्रोल रखो अपने आप पे, ठीक है ना। जितना आप कंट्रोल में चलोगे ना, तो भाई कोई कुछ नहीं होगा, मौत जब आनी होती है ना वो आ जाती है, वो 10 की स्पीड में 20 की स्पीड में भी आती है ना, वो तब भी जान चले जाती है। बट थोड़ा सा अगर हम लिमिट पुश ना करें यार, ये बहुत गलत चीज़ है, सुपर बाइक को मजाक समझना बाइक के, भाई जिसको एक्सपीरियंस है ना वो करता है, ठीक है ना। अब मैं नहीं बोलूँगा भाई, बहुत सारे राइडर ऐसे हैं यार, उनको एक्सपीरियंस है वो करते हैं, बट वो इतना भी नहीं करते हैं कि व्यूज़ के लिए वो अपनी सीधा जान ही चौकी में डाल देंगे, ठीक है ना, किसी दूसरे तीसरे की सुनेंगे। दूसरे तीसरे की मत सुनो, जितना आप में दम है भाई उतना ही चलाओ, बात सिंपल सी है, क्योंकि ऐसे अगर होता रहेगा ना तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। यूट्यूब के चक्कर में ना सब कुछ खो बैठोगे, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, अगर बच भी जाते हो, बट उस बचने के बाद आपकी क्या हालत होती है, कितना दर्द होता है भाई, वो
भाई जिनका हुआ ना उनसे पूछ लेना भाई। एग्जाम्पल जट प्रभजोत को ले लो यार, ठीक है ना। जब उसका नेपाल में एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल वो भी बोलते स्लो ही था या फास्ट था, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, बट वो बंदा अभी तक भी मतलब 6-7 महीने हुए ना, अभी तक भी वो बोल रहा है कि मतलब मेरी टांग सीधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मीन्स के बंदा ना फिर लाइफ में अपनी लाइफ खराब हो जाती है, ठीक है ना। साथ में फैमिली का भी सोचो यार, ठीक है ना। लिमिट पुश मत करो यार, सीधी सी जो बात है, जिंदगी बार बार नहीं आती, जिंदगी एक ही बार होती है, ठीक है ना। अगर चला गई तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता यार, माँ बाप ना रोते रहते हैं उम्र भर, ठीक है ना। बाकी मुझे भी बहुत सारे बंदे बोलते थे आप बाइक तेज नहीं चलाते हो, आप ये नहीं करते हो, रैश करो। मतलब रैश ही करके क्या व्यूज आते हैं यार, मतलब लोग देखना यही चाहते हैं कि रैश करो, ये करो, कट मारो, इधर से निकलो, उधर से निकलो, मतलब व्यूज आएंगे। यार मत आए व्यूज, उन व्यूज को क्या आग लगानी है भाई। जब चार लोग थूकेंगे यार, बोलेंगे कि भाई क्या है ये, आप किस माँ बाप की औलाद है ये, मतलब यही करते हैं, ये गलत बात है यार। देखो बहुत सारे यूट्यूबर हमारे जूम में भी हैं भाई, बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, ठीक है ना। बट कुछ बंदों की वजह से ना भाई सारे बदनाम हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। अभी एग्जांपल आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब नाम किसका जा रहा है पता ही होगा आपको। हमें तो कुछ पर्सनली दुश्मनी नहीं है किसी से, हमें किससे कोई दुश्मनी नहीं है, सीधी सी जो बात है, ठीक है ना। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि भाई प्लीज़ यार अवॉइड करो रैश राइडिंग को, अवॉइड करो यार, ठीक है ना। ध्यान से चलो, प्यार से चलो यार, ठीक है ना। जहाँ 10 मिनट लेंगे वहाँ 20 मिनट लगा लो यार, बट फैमिली का ज़रूर सोचना कि यार हमारी फैमिली पीछे वेट कर रही होगी। प्रोराइडर भाई तो इस यहाँ से चला गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है ना। उनकी फैमिली को भाई सपोर्ट मिले बहुत सारा, ठीक है ना। बट अपना बेटा जिसने खोया भाई वो वही समझ सकता है, ठीक है ना। हम नहीं समझ सकते हैं, हम ना व्यूज़ के भूखे हैं, हम लोग ना भाई जलील हैं, सीरियसली यार व्यूज़ के भूखे हैं हम। किसी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यार देखो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ये मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि भाई यार ये सब अवॉइड करो यार, रैश राइड मत करो यार, गलत साथ में ना जाओ यार। मैं इतना ही बोलूंगा, गलत साथ मत करो प्रमोट, ना गलत लोगों के साथ चलो, ठीक है ना। अच्छे लोगों के साथ चलो, अच्छी चीज़ें इन्फ्लुएंस करो, कोई जगह एक्सप्लोर करो। अगर हम कोई जगह एक्सप्लोर करेंगे, कुछ भी करेंगे भाई, कोई अच्छी जगह बताएंगे ना, वो लोग देखेंगे नहीं। उनको क्या देखना है, रैश राइड, कौन स्टंट मार रहा है, कौन रैश कर रहा है, कौन तेज चला रहा है, कौन मतलब हाई स्पीड कर रहा है, वही देखना है। क्यों? क्योंकि उनको भाई मजा आता है उसी में। और फिर क्रिएटर जो है वो भी उलझ जाता है कि नहीं यार मेरा, मतलब क्रिएटर को लगता है नहीं यार भाई मेरा यूट्यूब उठ रहा है, भाई मैं यही सब दिखाऊंगा। फिर इसके चक्कर में भाई अपनी जान भी खो बैठता है कोई कोई, बहुत सारे राइडर ऐसे अपनी जान खो बैठे हैं यार, ठीक है ना। ये पहला ही केस नहीं है, बहुत सारे ऐसा सीन हुआ है कि हाई स्पीड के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं, और अगर नॉर्मल स्पीड भी होगी ना इंसान ज़रूर बच जाता है। सब कुछ बाइने लगाया था, हेलमेट वेलमेट सब कुछ लगाया था, बट हेलमेट की स्ट्रिप खुल गई, क्या हो गया क्या नहीं। बट जब वो आई होती है ना वो पता नहीं देती है क्या होता है क्या नहीं। हेट किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। हम एक ही कम्युनिटी से है, ठीक है ना। हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए भाई। मैं अपनी वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि भाई हमेशा रैश मत करो, सेफ चलो, बस बात सिंपल सी है, ठीक है ना। जितना दम है अपने में उतना ही चलो। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि भाई प्लीज़ आप सब ये अवॉइड करो, ये चीज़ें मत करो यार, और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, व्लॉग के लिए अपनी लाइफ मत खो बैठो यार, ठीक है ना। मैंने कल वीडियो देखी, मैं चाहता मैं उसी टाइम एट अ टाइम वीडियो बना सकता था, ठीक है ना, बट मैंने नहीं बनाई यार। क्यों बनानी थी यार भाई, एक बंदे की डेथ होगी ऊपर से हम व्यूज़ के लिए नाचेंगे। अभी जितने लोगों ने बनानी थी व्यूज़ लेने थे ले लिए, ठीक है ना। बहुत सारे बंदे व्यूज़ लिए उसके, मतलब उसकी डेथ के, मतलब उसके एक्सीडेंट को लेकर बहुत सारे बंदों ने मतलब व्यूज़ लिए। लेने दो भाई, उनकी अपनी मर्जी भाई, वो क्या करते हैं, उनका अपना दीन ईमान है, ठीक है ना। मेरा यही है कि भाई मैं समझाऊँ आप सबको कुछ बातें कि ये सब मत करो, ये गलत है, वो गलत है। तो बाकी यार सही चीज़ का साथ दो, गलत चीज़ का मत, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सामने आएगा। तो ठीक है गाइज यार, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट दुखना बहुत ज़्यादा हो रहा है सीरियसली यार, ठीक है यार भाई।